अच्छा लग रहा है ये, देख लोगे आप। लॉन्डो ने लॉन्डो की इज्जत गिरा रखी, बता रहे लड़कियों ने कुछ नहीं कर रहा, लड़कों ने ही लड़कों की इज्जत गिरा रखी है। बात तो सही है। मुझे कि किसी ने पैसे नहीं दिए, एक लड़की वो स्त्री, अब क्या कर सकते हैं ना भैया। अरे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूं रोहित और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सो गाइस यार, आज मैं उठ चुका हूँ। सो अभी बज रहा है 5:30, तो अभी मैं जाऊँगा रनिंग करने। और मतलब मैंने जब से रूम लिया तब से मैं अब जा रहा हूँ रनिंग करने, क्योंकि बीच में मैं बहुत बिज़ी था और अभी भी शायद मैं बहुत बिज़ी रहूँगा, लेकिन फिर भी यार मेरे को टाइम निकालना होगा। और मेरे को अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा तो मतलब मेरे को बहुत अजीब से लगता है। मतलब एक महीना हो गया, मतलब मैं इधर उधर जा रहा था, हर 2 दिन बाद मेरा कहीं ना कहीं जाना हो जाता था, लेकिन अब फिर मेरे को करना ही पड़ेगा वर्कआउट। अभी मैं 2 दिन बाद फिर कहीं जाऊँगा, लेकिन फिर मैं अपना वर्कआउट करना चाहता हूँ। अभी मैं जाता हूँ, पहले रनिंग करूँगा और फिर आऊँगा। सो गाइस, 3 किलोमीटर मैंने रनिंग कर ली है। आज मैं 3 किलोमीटर ही करूँगा, क्योंकि मैं एक महीने बाद, मतलब मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे से शुरुआत करूँगा अब फिर से। तो अभी मैंने 3 किलोमीटर रनिंग कर ली है, हालाँकि अभी मैं 6 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, बिल्कुल भी थकान नहीं लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मैं एकदम बॉडी में इतना प्रेशर डालूँ। सो अभी जाता हूँ किसी ग्राउंड में, वहाँ पे एक्सरसाइज करता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम पे, और आज थोड़ा सा पसीना आया, उसके बाद मैंने पुशअप्स वगैरह मारे ग्राउंड में जाके। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, और कोई भी काम होता है धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सो काफ़ी मज़ा आया, आ गया, मतलब आज ऐसा लग रहा है मेरे को सुबह सुबह से एकदम। तो बाकी यार मेरे को आज बहुत सारे काम हैं, आज मैं अपना वाईफाई भी लगा दूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को वाईफाई की सख्त ज़रूरत थी। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, और बिना वाईफाई के मेरा काम नहीं होगा मुझे लगता है। तो आज मैं वाईफाई भी लगाऊंगा, और अपनी स्कूटी में एक टायर भी डलवाना है यार आज मेरे को। और अभी जो मैंने सामान लिया है मैं वो दिखाता हूँ आप लोग। एक कंबल लाया था मैं, ये वाला काफ़ी अच्छा कंबल है, ये पूरा रजाई का काम करेगा, साथ में ये कवर। फिर इसके अंदर है मेन चीज़, तो ये है टेबल क्लॉथ। अभी मैं इसको अपने टेबल के ऊपर बिछाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे अपना सेटअप लगाऊंगा, वो आप देखना आगे आगे। मैं ये लैपटॉप के ऊपर रखने के लिए। सो और भी कुछ लेके आया था मैं, वो आपको मैं कभी बताऊंगा। तो यार रूम पे जितना सामान जोड़ो मतलब उतना ऐसा लगता है कम ही होता है, लेकिन मैं अब हो गया, अब मैं ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा अपने यहाँ पे सामान। मतलब मन तो काफ़ी है मेरा, क्योंकि अगर हम जब एक जगह पे रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारे पास ये भी हो वो भी है, मतलब धीरे धीरे मतलब हमारी इच्छाएँ बढ़ती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसे कि इच्छाएँ बढ़नी चाहिए, तब जाके तुम उनके लिए मेहनत करते हो। अब मेरे को, मैं आगे दिखाऊंगा मैं क्या क्या लेने वाला हूँ जब मैं लूँगा अपना सेटअप। तो सेटअप लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिना सेटअप के मैं काम नहीं करूँगा। सो फिलहाल मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं पहले यहाँ पे मेरा टेबल देख लो अभी, उसके बाद मैं जब सामान लगाऊँगा तब देखना, वो टेबल क्लॉथ वगैरह लगाऊँगा तब जाके बहुत मस्त लगेगा। जब मैं अपना लैपटॉप वगैरह वहाँ पर रखूँगा, तो अभी मैं करता हूँ सफाई। सो देखना इसके बाद। अब तो अच्छा लग रहा होगा यार पहले से काफ़ी, ये देखो इस पर मैं टेबल क्लॉथ लेकर आया था स्पेशली। देखो ये मेरे कमरे का फाइनल लुक है, और ये मैंने पर्दे लगा लिए हैं चारों तरफ, आज बहुत मेहनत करी है मैंने। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो। सो फाइनल लुक ये है, बहुत मेहनत करी आज मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख लोगे आप। वहाँ पर मेरी टेबल है, एडिटिंग टेबल, और ये सामान रखने के, इसमें कपड़े वपड़े हैं मेरे, ये 2 सोफ़े हैं, ये एक एक्स्ट्रा बेड है कोई आ गया तो। सो फाइनल लुक। सो भाई यार मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ यार, अभी मेरे को जाना भी है। और ये देखा आपने, ये फाइनल लुक। और अब मैं पोहा बनाऊँगा, सबसे इजी। सो पोहा बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं। मुझे था इंतजार। सो गाइस, मेरा जियो फाइबर का कनेक्शन लग चुका है, और अब मैं दिन भर नेट चला सकता हूँ मस्त मज़े करके। गाइस अभी आप कह रहे होंगे हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, पैदल पैदल। अभी हम जा रहे हैं गैस, अपना गैस सही करवाने, चूल्हा। हाँ सॉरी, मैं कल से गैस घर में है। और हम आए थे, हमारी स्कूटी पंचर हो चुकी है, स्कूटी पंचर हो गई, थोड़ा सा पीछे 200 मीटर पीछे, ऐसी खराब है। अभी गाड़ी की होगी आवाज़।
आवाज आई होगी भट भट करके, तो मेरी आवाज रुक गई होगी, लेकिन मैं दोबारा बोल दूंगा। तो अभी मैं जाऊंगा पहले गैस सही, ये चूल्हा चूल्हा सही करवाऊंगा, और उसके बाद टायर पंचर, मतलब आज से यार मैं टायर ही चेंज कर दूंगा, बहुत हो गया दिमाग खराब, बहुत दिन हो गया ऐसा, दो दिन की पंचर हो गई है गाड़ी। अरे एक पंचर नहीं होता मेरे साथ, दो दो पंचर होते हैं। तो चल मैं चुप, पैसा पैसा तो मुझे क्या। तुम वैसे गिन क्यों रहे, तुम कम होंगे तो मैं कर क्या सकता अगर कम होंगे तो वीडियो प्रूव है यार, कम होंगे तो बैंक वालों को केस करूंगा। 500 रुपए दे रहा यार, और वाली निराशा नहीं है ऐसा। तेरे यहाँ से छोले कुलचे पैसे नहीं दिए यहाँ पे छोले कुलचे, और भैया के किसी ने पैसे नहीं दिए, एक लड़की वो स्त्री, अब क्या कर सकते हैं ना भैया, हैं बोल भी नहीं सकते। तुम्हारी दुकान होती तुम क्या कहते, लौंडे हमारे साथ बहुत बुरा होता है यार, क्यों दो गाली देता थोड़ी मारता और पैसे भी लेता। लौंडो नहीं, लौंडो की इज्जत गिरा रखी, लड़कियों ने कुछ नहीं कर, लड़कों ने ही लड़कों की इज्जत गिरा रखी है। लड़की जाएगी वहाँ पे लिफ्ट दे देंगे उसको, लड़का लिफ्ट मांगा तो लड़का ही लिफ्ट नहीं देगा उसे, लड़कों ने गिरा रखी लड़कों की इज्जत। पैसे दे दिए ना तुमने, मेरा बिजनेस है यार, स्टॉल है वो। अच्छा तो उस लड़की को क्यों नहीं बोला तुमने, अब स्त्री को कौन को बोल सकता है। मैं हाथ बस पता नहीं वाला था भी आने में लिया, नहीं तो मैं अभी मोड़ देता। अभी यूके 13 ब्लॉगर अपनी स्कूटी ले जाते हुए जो पंचर हो चुकी है, जिसके कारण हम सुबह से घूम रहे हैं। दौड़ लगाओ मत यार ऐसे, सर सर यूके 13 ब्लॉगर सर। अब पता चला मजा आ रहा है, पता है देखो ये गली बंद, अब हम दूसरी गली से कैसे जाएं यार, स्कूटी हमारे पास पंचर, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, झेल लेंगे क्यों, अब ये आदत बन गई है झेल लेंगे क्यों। जो जो ऐसे स्कूटी में बैठा होता है ना पंचर के बाद, वो कहता है झेल लेंगे, जो मेरी तरह पैदल चल रहे होते हैं ना वो नहीं बोल सकते ऐसा। वही अभी मैं आ चुका हूँ रूम पे, अभी तक मैं धोनी भाई के रूम पे था, अपना गैस वैस सही करवाया मैंने, तो अब मैं जा रहा हूँ यार अपनी स्कूटी का टायर चेंज करवाने, क्योंकि अब मैं कल मैं जाऊँगा ऋषिकेश, वहाँ पे थोड़ा मेरा काम है, तो इसीलिए मैं यार मैं टायर चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी सोचा था मैंने कि वैसे तो मैंने सोचा था यार जब मैं दिवाली में अपने घर जाऊँगा तब करवाऊँगा चेंज, लेकिन यार उस पर इतने पंचर हो गए ना कि अब बार बार हर टाइम 100-100 रुपये खर्च करने से अच्छा कि एक बार ही टायर चेंज करवा दो, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो लेट्स गो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ पेंट शॉप पे, और यहाँ पे डलवाऊँगा मैं टायर, आगे वाला टायर इसका, तो यहीं आगे पे है प्रिंस शॉप, ये है त्यागी रोड। सो गाइस नया टायर लग चुका है, तो ये है नया टायर, स्कूटी धुलवाऊँगा थोड़ा। तो गाइस टायर लगवाने के बाद मैं आ चुका हूँ पल्टन बाज़ार में, यहाँ पे थोड़ा मैं हनुमान चौक जाऊँगा, वहाँ पे काम है मुझे। तो ये कैमरा मैंने इसलिए लगाया, अभी एक आंटी बिल्कुल देख नहीं रही, मतलब गाड़ी के आगे देख रही है गाड़ी है, लेकिन फिर भी चले जा रही है। तो मैंने कहा यार पल्टन बाज़ार में ऐसी बहुत चीज़ें मिलेंगी जिसको दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पल्टन बाज़ार अलग ही खुशबू है पल्टन की। तो अभी तो मैं अकेले हूँ तो अकेले मज़ा नहीं आता मुझे पल्टन बाज़ार में, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं, शॉपिंग तो मैं अभी करूँगा नहीं। तो सुबह यार मैं आ चुका हूँ रूम पे, और अभी आपने देखा यार मैंने टायर लगवाया, और उसके बाद मैं गया पल्टन बाज़ार, वहाँ से मैंने छोटा मोटा सामान लिया अपना किचन के लिए, थोड़ा खाने पीने का सामान लिया और बस। तो यार आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे सारे काम हो गए, मेरा गैस ठीक हो गया, टायर लग चुका है, और वाईफाई भी लग चुका है, और भी दो चार जो काम थे इम्पोर्टेंट वो हो चुके हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और अब खाना बनाऊंगा, खाना खाऊंगा, बस सो जाऊंगा, और थोड़ा जो वीडियो एडिटिंग करनी है वो करूंगा। शायद कल मैं शायद ऋषिकेश जाऊंगा, सो जाऊंगा या नहीं जाऊंगा वो आपको आगे दिख जाएगा। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।